बस यही थोड़ा शाहरुख और खान के घर की तरफ बसते रहे हम लोग, तब और अच्छा लगता। हम लोग को घर भेज दीजिए, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। ये भाई साहब लोग सोए हुए हैं और कह रहे हैं भाई हमें चलना है थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, कुछ चलते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं। वैसे जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ का डीमार्ट काफ़ी फेमस जगह है, मतलब अक्सर चीज़ें ना काफ़ी सस्ती मिलती हैं यार। अभी दरवाजे पे पर्दा वगैरह नहीं है, खिड़की पे पर्दा वगैरह नहीं यार, तो काफ़ी कुछ सामान वगैरह भी लेना है, तो चलते हैं यार। ना उठ रहे भाई, तो फटाफट दोस्तों हम चलते हैं। अभी हमारे सारे भाई लोग सो रहे हैं, मतलब रमजान इतना ज़्यादा इनका रोजा अखर रहा है ना कि अन्ना भाई जरा ना ना अखर तो नहीं रहा है भाई, अखर का शुक्र है अभी सही है। हाँ, रोजा नहीं रहा नहीं, फिर दिन में बिस्तर भी क्यों बना रहा है भाई तू? डी मार्ट से हम लोग घूम के आएंगे तब पता चलेगा ना कि रोजा मतलब अखर रहा है कि नहीं अखर रहा है। हम लोग घूम के आएंगे तो चलते हैं दोस्तों, हम फटाफट चलते हैं बाहर की तरफ। वैसे अन्ना भाई को थोड़ा सा यहाँ का भी एक्सपीरियंस कराते रहे, भाई साहब पढ़ने आए। तो अन्ना अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, बताओगे क्या? हम लोग जा रहे हैं भाई डी मार्ट में जा रहे हैं। अच्छा डी मार्ट, और ये मुंबई आपको कैसा लगा तीन चार दिन में? भाई बहुत अच्छा है मुंबई। हाँ? बहुत अच्छा सिटी है, बस यही थोड़ा शाहरुख और खान के घर की तरफ बसते रहे हम लोग, तब और अच्छा लगता। भाई साहब शाहरुख खान के घर की तरफ कह रहे बसने के लिए, साझा इधर झोपड़पट्टी में तो हम बस नहीं पा रहे, और शाहरुख खान के घर की तरफ जाएंगे? भैया मेहनत करो, मेहनत जरूर बसोगे। और ना ये बता भाई कि ट्रेन का सफर तेरा कैसा रहा आज का? भाई बहुत खराब था ट्रेन का सफर। क्यों, काहे रे भाई? वाह भाई, बहुत गर्दी है भाई यहाँ पे। गर्दी बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, जान चली जाएगी। जान चली जाएगी? हाँ। तो क्या रुकेगा या घर जाएगा? भाई सोच रहे हैं घर जाने दो। घर भेज दो, घर भेज दो। तो नाम मारा ना, घर जाएगी नाम ना जाए। तो सुना जाए आपका ट्रेन का सफर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई बहुत बेकार था। बेकार था मतलब बेकार क्या था? बहुत भीड़ था, इसमें हम इसमें नहीं जा पाएंगे। हम लोग को घर भेज दीजिए, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ, घर घर जाओगे जी? भाई साहब आज ही पहला दिन मैं इनको ट्रेन में सफर करवाया, कह रहे इतनी भीड़ है हमें घर भेज दीजिए। अब बताइए घर जाने के लिए आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? हाँ, घर जाए फिलहाल दोस्तों अभी हम आ चुके हैं विद्या विहार में, और अभी हम चलने वाले, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डी मार्ट के लिए, वहाँ से हमें काफी कुछ आज शॉपिंग करना है। अन्ना भाई को भी चाहिए, हमारे शाहनवाज भाई को भी चाहिए, और घर के थोड़े से मतलब कुछ ज़रूरियात सामान जो है वो हमें लेना है फिलहाल। और अन्ना भाई को अभी हम दोस्तों 1 किलोमीटर पैदल चलवाने वाले हैं, और रमजान का टाइम है, अन्ना भाई का आज हम एक्सपीरियंस देखने वाले हैं। अन्ना भाई पैदल चलने में कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं होगी ना भाई? नहीं नहीं भाई, अभी कोई तकलीफ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो अन्ना भाई चलो, अच्छा हम फटाफट चलते हैं फिर। और भाई अभी हम इस तरह से यहाँ के ब्रिज पे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप ये ब्रिज, और फटाफट दोस्तों हम चलते हैं डी मार्ट। करीबन दोस्तों क्या है कि जो हम विद्या विहार है ना, अब विद्या विहार रेलवे स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बताओ क्या इसके लिए ऑटो करें? वैसे ऑटो करेंगे तो 20 रुपये में छोड़ देगा, लेकिन थोड़ा सा टांग बाबा जो है ना उनको काम लेना ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम डी मार्ट पहुँच चुके हैं अपने भाइयों के साथ में, और चलते हैं अब अंदर की तरफ और कुछ खरीदारी वगैरह करते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हमारा डी मार्ट का शॉपिंग वगैरह हो चुका है, लेकिन यार एक कांड हो गया भाई, उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, कहा कि भाई आप अंदर के साइड में वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन दोस्तों फाइनली हमने शॉपिंग कर लिया, थोड़ा बहुत शॉपिंग था। हमारा अन्ना भाई इधर देख सकते हैं, ये इतनी खरीदारी हुई, छोटी मोटी खरीदारी हुई है, और सनमाज भाई भी अपना साथ ही चल रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम चलते हैं अपने रूम पे और वहीं पे दिखाते हैं। वैसे तो फाइनली दोस्तों अभी हम अपना सारा सामान वगैरह लेके आ चुके हैं, और जैसा कि देख सकते हैं सनमाज भाई अभी दिखाएंगे। तो सनमाज भाई हम क्या क्या खरीद के लेके आए हैं भाई? अभी हम दिखा रहे हैं आप लोग को। हाँ हाँ, ये देखिए गोल्डी मसाला है। ये भाई ये चिकन मटन मटन मसाला है, मटन मसाला ये है, सब्जी मसाला और फटाफट दिखा, ये है सब्जी मसाला। हाँ भाई ये चप्पल, अरे यार ये चप्पल है भाई, ये छोड़ो यार, ये अन्ना भाई के ये अन्ना भाई ये देखो भाई ये अन्ना भाई ये क्या है भाई? ये चड्डा है, इधर गर्मी बहुत पड़ता है। गर्मी बहुत पड़ता है? हाँ यार गर्मी बहुत पड़ता है, तो फिर इसके ये क्या करे? गर्मी बहुत पड़ता है, कुछ बताएगा भाई? कूलर वूलर लगवा दो। तो अन्ना भाई कह रहा कूलर वूलर लगवा दो। हाँ यार ये वाकई यहाँ पे थोड़ी गर्म ज्यादा रहती है, एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। और सरवाज भाई देखो अपने ये का है, ये देखो सरवाज भाई अपने ये फेस वॉश ये का है। सरवाज भाई फेस वॉश, ये भाई कपड़े धोने के लिए साबुन वाबुन आए हैं, ये सब के लिए, और ये हमारा पूरा बिल है। अच्छा अच्छा, तो टोटल बिल कितने का है भाई? 607 रुपए का 200 टोटल बिल आया। ए भाई पर्दा किधर है अन्ना? पर्दा पर्दा भाई
पर्दा किधर है? पर्दा भाई भूल गए। पर्दा भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्यों भूल गए यार? भाई पर्दा जरूरी था यार। भाई अब क्या कह रहे हो, हम लोग रोजा रख के थोड़ा दिमाग से जानते उतर जाता है इसके। क्यों भूला भाई, क्यों भूला? पर्दा इम्पोर्टेंट तो पर्दा था, कम से कम दरवाजा खुलता तो वेंटिलेशन का सिस्टम सही रहता ना यार। तुम भूल भाई, चलो मार लो, हम भूल गए, तुम भी तो साथ में गए। यार ये भाई यार एकदम सीधा सीधा कह रहे, तुम भी साथ में गए थे, हम इनको याद करा के गए थे, भी तो साथ में गए थे। भाई एक जरूरी चीज तो और है, आप भूल गए क्या? क्या, क्या? ये देखिए 18 रुपए का है। अरे भाई, भाई ऐसा काम मत करें, ये अपना हाथ में खुद से बैग दे के जाएं। भाई यार जानते हो डीमार्ट वाले ने, देखो डीमार्ट में एक बात मैं बता दूं, चीजें बहुत सस्ती हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी कांड क्या हो गया ना, जब भी आप कभी भी भाई साहब डिमांड सामान खरीदने जाओ या किसी भी शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने जाओ, अपना बैग वगैरह के जाएंगे तो ये 18 रुपए आपके बच जाएंगे। बिल भी है, हाँ ये देखें ये बिल है, और ये 18 रुपए का हमें फिलहाल झोला पड़ा है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, हम और अन्ना भाई अभी गए थे, और अन्ना भाई जैसा कि आपको बता रहे थे, भाई मैं ट्रेन में जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ, मतलब मुंबई की लोकल ट्रेन में। इसका सफर इनका कैसा था, इन्हें यही बताएंगे, फिर से बता दो कैसा सफर था भाई अन्ना भाई लोकल ट्रेन का? बड़ी दिक्कत हो रही थी भाई। क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत इधर ही हो रही थी, कोई इधर से मार के उधर पहुंचा दे रहा है, उधर वाले इधर पहुंचा दे रहे हैं, बीच में हम कहां जाए, कितना मार खाए। पहली बार हम लोग नए नए भी हैं। अच्छा तो सफर कर रहे हैं भाई, पढ़ाई करोगे? देखो अगर आप लोगों को पढ़ाई करना भाई, इसी तरह से ट्रेन से सफर करना पड़ेगा, पानी के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। सहलोगे ना कष्ट? अभी तो कह रहे थे हमें घर जाना है। नहीं घर हम नहीं जाएंगे, घर का भूत उतर गया, घर का भूत आ गया है ना, गर्मी थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम सामान वगैरह खरीद के आ चुके हैं डीमार्ट से, जैसा कि देख रहे हैं यार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और ये हमारा छोटा सा रूम है, और अन्ना भाई हमारा भी चड्ढा पहन के दिखा दे एक बार, दिखा दे चड्ढा पहन के भाई। अभी देखो अन्ना भाई अपना नया नया चड्ढा लेके आया है भाई, तुम भी तो हम तो अपना पहनते ही है भाई, सोने के लिए हमारा चड्ढा घर चाहिए होता, तुम पहन के दिखाओ। अरे अन्ना भाई दिखा दो भाई, दिखा दो, देखो पहन 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 भाई पहन पहन जा भाई। अरे हम अन्ना भाई हमारा भाई बहुत ज्यादा शर्मिला टाइप का है, लेकिन है बहुत बदमाश, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अन्ना भाई की कहानियाँ जो है ना दूर दूर तक शोर मस्ती थी पहले, और ये हमारे सब सरमान भाई के लिए फेस वॉश आया है। हाँ, ये थोड़े और कोरे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये चारकोल कंपनी का है भाई, है बॉम्बे शेविंग कंपनी है, इसको जरा आप लगा के रगड़िएगा आधा घंटा। आज दोस्तों कुछ ऐसा था कि आज भाई साहब जो भी फेस वॉश वगैरह भी लेकर आए, और भी हमें दोस्तों हमें काफ़ी कुछ शॉपिंग करना था, जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे पर्दा बहुत ज़रूरी था यार, दरवाज़ा इस तरह से ओपन रहता तो अच्छा लगता, अभी क्या है कि सामने की तरफ फैमिली रहती है तो बुरा लगता है, सामने की तरफ अगर देख पा रहे हैं दोस्तों एक दरवाज़ा है, वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, तो इसीलिए दोस्तों हम जब भी दरवाज़ा बंद रखते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं हो पाता, थोड़ा सा गर्म रहता है। तो फाइनली दोस्तों कुछ देख सकते हैं हमारे सहनवाज भाई किस तरह से सब्जी वगैरह काट रहे हैं, और हमारे अन्ना भाई को देख सकते हैं इधर बर्तन के साथ सफाई हो रही है। अन्ना भाई अभी क्या कर रहा है भाई तू? बड़ी शिद्दत के साथ भाई अपना अन्ना भाई काम कर रहा है। अन्ना भाई ऊपर देखो, ये क्या है, क्या है भाई? बर्तन धुल रहे हैं भाई, बर्तन धुल रहे हो? और क्या? तो वैसे अभी दोस्तों देख सकते हैं कुछ हमारे अन्ना भाई बड़ी मेहनत से अभी किचन में बैठ के इस तरह से बर्तन की धुलाई कर रहे हैं, और देख रहे हैं कितने शिद्दत से अपने कामों को कर रहे हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं अन्ना भाई। हाँ अन्ना, तो मुंबई की कैसी जिंदगी है अन्ना यार? अच्छा अन्ना एक बात बता, आज तक अपने घर पे कभी बर्तन उर्तन मांजा था भाई? घर पे क्या, 4 साल अहमदाबाद रहा हूँ, वहाँ कभी नहीं मांजा, घर की बात ही अलग है, कभी नहीं मांजा यार भाई। यही है असल में शहर की जिंदगी, हमारा अन्ना भाई एकदम बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ लगा हुआ है, और शहनवाज भाई को देखो इस तरह से भैया एकदम प्याज वगैरह काट रहे हैं और सब्जी वगैरह काटने बैठे हैं, और शहनवाज भाई बढ़िया है। हाँ गांव में कभी करते थे, मम्मी का कभी है जो किए थे? नहीं नहीं कभी नहीं किया, पहली बार कर रहा हूँ। तो भाई क्यों, मम्मी कहती थी कभी करने की? नहीं यही तो बात ही हुआ, मम्मी बोलती तो मैं करने के नौबत ही नहीं आता, सीख देता घर पे ही सीख लेता, मम्मी ने कभी कहीं नहीं करने की दी काम। और भाई साहब जानते हो सब्जी बनी थी इनकी, ये कल सब्जी बनाए थे,
किस तरह से सब्जी बनाए थे, सिर्फ आलू प्याज टमाटर डाले थे, ना तो उसमें हल्दी था ना मसाला था, और अन्ना भाई को हमारे सब्जी काफी पसंद आई थी। अन्ना भाई से आपको पूछ के एक्सपीरियंस बता देते हैं। तो अन्ना भाई, भाई की सब्जी कैसी थी? भाई अपने हाथ का कुछ भी बना होगा सब अच्छा लगता है, इसमें नमक भी नहीं रहेगा तो भी अच्छा लगेगा। तो अन्ना तू खुद बनाया था क्या? नहीं, अपना भाई बनाया था, शाहनवाज भाई। अच्छा, तो भाई साहब कल हमारे शाहनवाज भाई सब्जी बनाए थे, आलू टमाटर की सब्जी बनी थी जिसमें 3 टमाटर था और 2 प्याज था। इस तरह से कोई सब्जी बनाता है? अन्ना तारीफ किए जा रहा, भाई क्या गजब का भाई ने सब्जी बनाया था। और जब मैं आके खा के देखा ना, मैं कहा हाँ भाई बहुत अच्छी सब्जी है। तो शाहनवाज भाई आपको सब्जी कैसी लगी थी जो बनाई? बहुत लाजवाब बना था, मजा आया था, बहुत मजा आया। और अभी अभी क्या बनाने वाले हो शाहनवाज भाई? भाई अभी जा रहे हैं मटन बनाने के लिए। मटन? मटन की चिकन? वही चिकन। हाँ, तो आज हमारे शाहनवाज भाई जा रहे हैं भाई चिकन बनाने के लिए, ठीक है? अगर ये चिकन बनाएंगे हम आपको दिखाएंगे लास्ट में खाने के टाइम कि शाहनवाज भाई हमारे चिकन कैसे बनाए। और शाहनवाज भाई आपका वीडियो व्यू नहीं आ रहा यार, आजकल क्या कर रहे हो आप भाई? भाई थोड़ा काम के चक्कर में फंसे हुए हैं, और जैसा कि अभी आए हैं पढ़ने लिखने के लिए, जिसके नाते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी हमारे शाहनवाज भाई भी खैर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है ये चैलेंजिंग ब्लॉग्स करते हैं, खाओ 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 जबरदस्ती खाओ भाई, पेट फूल के खाओ, 10 सेकंड में खाते जाओ खाते जाओ। अरे आदमी का पेट है भाई, कितना खाएगा, लेकिन हमारे साथ हनुमान भाई ना जबरदस्ती खिलाते रहते। भाई प्याज काटने में आंसू आ रहा है, बाहर गिरने लगा। देख रहे हैं हमारे शाहनवाज भाई कह रहे हैं प्याज काटने में आंसू आ रहा है, कभी अगर मम्मी का हेल्प किए होते तो अच्छा रहता। खैर हमारा तो एक्सपीरियंस हो गया, हम 7 साल से बाहर ही रह रहे हैं और इसी तरह से सब्जी वगैरह काटी जा रहे हैं। और सब कुछ छोड़ो, हमारा अन्ना भाई बहुत शिद्दत से काम में लगा हुआ है, कह रहा भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 काम चाहिए। मैं कहा क्या? कहा बर्तन माजूंगा और झाड़ू लगाऊंगा। अन्ना भाई कौन सा काम करोगे तुम? भाई जो मिलेगा वो करेंगे। और तुम्हें पसंद क्या है, बर्तन मांजना झाड़ू लगाना? दोनों पसंद है। हमारे अन्ना भाई को दोनों पसंद है। वैसे ये हमारा भाई सबसे प्यारा भाई है और सबसे बदमाश वाला भाई भी है। मैं बार बार कहता हूँ बदमाश वाला भाई है, इसकी कहानी ना धीरे धीरे आएगी, सारी कहानी ना उजागर करेंगे आपके सामने कि किस तरह से ये इतना फेमस है। अन्ना भाई, अन्ना भाई जो नाम पड़ा है ना उसके पीछे भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। वैसे आप तो जानते हैं इनका नाम अफजल खान है, लेकिन इनको उर्फ अन्ना कहा जाता है। अन्ना के नाम से एकदम मशहूर है पूरे गांव में।